शुक्राना ओ शुक्राना 20,000 सबसे ज्यादा महंगा कोई फ्रूट अगर पूरे उज़्बेकिस्तान में तो उज़्बेक इंडिया हिंदुस्तान ओह शुक्राना गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। मैं हूँ अंश और अभी मैं हूँ यार उज़्बेकिस्तान कंट्री के सबसे हॉलीएस्ट सिटी बुखारा में। गाइज आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं उज़्बेकिस्तान के इस बुखारा शहर की लोकल लाइफ, लोकल बाजार, लोकल फूड। तो गाइज ये है वो कोलखोन्स रॉयन बाजार, जिसको आई थिंक यहाँ पे देखिए जो बुखारा है ना उसको ये लोग बुकसोरो पढ़ते हैं, मरकाजी। तो बाजार को ये लोग एक्चुअली बोजोरी पढ़ते हैं और उसका गेट ही कितना ज़्यादा मैसू बड़ा है। तो एंट्री करता हूँ, देखता हूँ इस बाज़ार के अंदर क्या मिलने वाला है अपने को। ये एक्चुअली टिपिकल लोकल बुखारा का लोकल मार्केट है लोकल लोगों के लिए। अब यहाँ पे शायद हर एक वो चीज़ मिलेगी जो भी आपको रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ किया जाने वाला सामान मिलता है। तो इसका पहले तो डिज़ाइन ही आप देख लीजिए, ये वैसा ही है जैसे मैंने बोलो हाउस कॉम्प्लेक्स को देखा हुआ था। उसकी जो मीनारें थी, पूरा मस्जिद था, वो लकड़ी के पिलर पे टिका हुआ था। तो ये बाज़ार का डिज़ाइन भी इन्होंने वैसा ही कुछ बनाया हुआ है। काफ़ी जायंट बाज़ार है यार, काफ़ी बड़ा है। इंटर करते ही सबसे पहले जो यहाँ के तरबूज और खरबूजे पॉपुलर हैं वो मुझे दिखे हैं, और ये है कुछ फ्रूट्स की दुकानें। वाओ गाइस अनबिलीवेबल, इतना बड़ा मैसिव जायंट बाजार के मैं अंदर आ चुका हूँ। चलिए एक्सप्लोर करते हैं इस बुखारा का सबसे लार्जेस्ट बाज़ार। यहाँ के आलू, तो आलू में भी अलग अलग वैरायटी है। ये लाल आलू, ये देखिए अपना जैसे हमारे यहाँ इंडिया में होता है आलू। प्याज ये लोग मोस्टली यार सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वाइट अनियन, जो कि काफ़ी ज़्यादा तीखा और लगता भी है। ये आप देखिए रेड अनियन यहाँ पे बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि चोरसू बाज़ार में भी आपने देखा होगा मेरे उस वाले वीडियो में कि पीला गाजर और लाल गाजर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होता है, और इन गाजरों को इस तरह से ये लोग चॉप करके अलग अलग तरीके से बेचते हैं। अस्सलाम वालेकुम मामा, दिस तुम उज़्बेक उज़्बेक इंडिया हिंदुस्तान बॉम्बे मतलब मामा सबसे पहले बोली इंडिया, तो ये चीज़ सुन के कितना अच्छा लगता है ना जब कोई बोल देता है नमस्ते तो ये सारे टमाटर, आप टमाटर देखिए कितने बड़े बड़े हैं यार। बुखारा गुड हाँ, दा दा माने यस। यहाँ के ये देखिए कद्दू भी है यहाँ पे, तो कद्दू की जो क्वालिटी है वो अलग अलग कद्दू है यहाँ पे। यहाँ का लहसुन आप देखिए, तो लहसुन भी काफ़ी मोटा मोटा होता है अलग अलग। ये रहा पत्ता गोभी, मामा सामान बेच रही हैं। बीटरूट वगैरह भी है यहाँ पे यार, ये देखिए बीटरूट की जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है, अच्छा है फर्स्ट क्लास। और यहाँ पे सामान को ढोने के लिए इस तरह से ये हैंड कार्ट को यूज़ करते हैं, यानी जितने भी बाज़ार वाले ट्रेडर्स वाले हैं वो एक जगह से दूसरे जगह सामान को लेके जाते हैं। हरी सब्जियाँ भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं अपने इंडियन बाज़ारों से। तो ये यहाँ का धनिया है एक्चुअली, देखिए ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर है हमारे इंडियन धनिया की क्वालिटी से। हरा प्याज यार और धनिया, ये चौराई पालक जैसा है। मामा दिस नामा नामा बाजरी पुदीना है ना, वो काफ़ी अलग होता है यार, इसकी पत्तियाँ काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं अगर आप देखोगे। और ये तो सलाद के लिए ये लोग यूज़ करते हैं आई थिंक यहाँ पे। ऐसा लग रहा है कि पूरा बुखारा शहर और बुखारा में रहने वाले लोग आके यहाँ पे शॉपिंग वगैरह करते होंगे। यहाँ पे जितने लोग सामान बेच रहे हैं और जितने लोग खरीद रहे हैं वो सारे टिपिकल लोकल उज़्बेक बंदे हैं। कोई भी यहाँ पे आपको फॉरेनर या टूरिस्ट नज़र नहीं आने वाला इस पूरे मार्केट में। तो ये इस मार्केट की यही खासियत है कि अगर आपको लोकल सामान लोकल प्राइस पे ख़रीदना है तो सबसे बेस्ट बाज़ार ये बोला जाता है। अगर यहाँ का प्राइस कंपेयर करोगे बाकी इस पूरे बुखारा शहर के सुपरमार्केट कॉम्प्लेक्स और जो इसके और बाज़ार हैं, यहाँ तक कि जो मेन एंशियंट सिटी है ओल्ड बुखारा, वहाँ का जो डोम बाज़ार है ना, उससे भी सस्ता सामान अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर आपको मिलेगा परचेसिंग के लिए। अभी देखिए टमाटर के कैरेट वगैरह इन्होंने रखे, ये सारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है अलग अलग क्वालिटी का। ये टमाटर आप देखिए खुद काफ़ी अच्छा है। ये खीरा, खीरा यार यहाँ पे काफ़ी छोटा होता है तो ये पूरा बंच है खीरे का। ये है स्पाइसेस, फुल ऑफ स्पाइसेस, ये सारे मसाले। इसमें लोकल उज़्बेक मसाले भी हैं, कुछ इंडियन मसाले भी आपको मिलेंगे यहाँ पे। काफ़ी यहाँ पे ना ये लोग मिक्स करके मसाला बेचते हैं, काफ़ी यूनिक है ये देखिए। अब ये मुझे नहीं समझ आ रहा यार, ये तिल्ली जैसा कुछ लग रहा है, ये तो अपना सोट अदरक है, अदरक को इन्होंने ड्राई किया हुआ है। यहाँ पे अदरक काफ़ी कम दिखा मुझे यार। दालचीनी, ये आई थिंक अपना मसाला है कुछ अलग वाला। हल्दी, ये तो यार पत्थर जो मैंने आपको दिखाया था।
सौंफ, जीरा की क्वालिटी भी यहाँ पे अलग अलग है। ये देखिए थोड़ा सा काला ब्राउनिश है, और ये जो रेगुलर जीरा होता है मिक्स। नो इंग्लिश, इंग्लिश एंड हिंदी ताजिक, हम हिंदी ताजिक। स्मॉल स्मॉल ओनली, शुक्राना, रहमत, निया। Oh my God, you know so. यानी देसी घी जैसे हम बोलते हैं, गाय का, गोट का, शिप का और कैमल का भी, और कई बार हॉर्स का भी, अलग अलग होता है। तो बट ये आई थिंक गाय का है जितना मुझे समझ आ रहा है, शिप का। तो ये इस तरह से जार में पैक करके इसको बेचते हैं। अगर आपको चाहिए तो ये प्लास्टिक का भी है, ये अलग अलग क्वालिटी का है। इस वाले घी का कलर दूसरा है और इन सब का कलर दूसरा है। ये सिजमिन सीड्स, ये सारे फ्रूट्स वगैरह हैं, सारे लोकल हैं। सेब की क्वालिटी, एप्रिकॉट, काले अंगूर भी काफ़ी होते हैं। तो ये लोग भी यार अंगूर को मुनक्का, किशमिश, यानी काफ़ी चीज़ें तो सिमिलर हैं हमारे इंडिया के अगर चीज़ों से आप देखोगे। अब ये नाम बता रहे हैं या पैसे बता रहे हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने खाया, काफ़ी अच्छा जूसी होता है यार। ये थोड़ा सा एप्रिकॉट है आई थिंक, उसी का दूसरा फ्लेवर, ये भी अलग अलग फ्लेवर। यानी पूरा उज्बेकिस्तान फुल फ्रूट से और ड्राई नट से भरा पड़ा है। अब देखिए इस तरफ पूरा जो लेन है वो सिर्फ अंडों का है। ये लोकल बेदोना बोल रही है, बेदोना किस पक्षी या जानवर का नाम है मुझे तो नहीं पता, बट ये काफ़ी ज़्यादा पुलाव में, पिलाफ में ये लोग यूज़ करते हैं आई थिंक। हिंदुस्तान, बॉम्बे, बॉम्बे, हिंदुस्तान। और ये तो सारे चिकन वाले अंडे हैं इनके। ओके, ये 57 साल की हैं ये बता रही हैं। मेरी एज है 33 साल, 33। पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ट्रेवल 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 ट्रेवल। तो यार ये लोग बोल रही हैं कि किसी को साथ में लेके ट्रैवल करो। ओ माय गॉड, माशाल्लाह। जोया, ZOYA, जोया, यागुला, 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 जामिरा जोया वाला। मी अंश मिश्रा, हिंदुस्तान, उज्बेकिस्तान, बुखारा, बुखारा। यहाँ का स्ट्रॉबेरी आई थिंक, आप देखिए ये भी पूरा। अब ये बेचते कैसे हैं इसी तरह से बंच में, 20,000 दिस वन, तो 20,000 सोम। तो थोड़ा सा महंगा है अगर बाकी जगह से मैं कंपेयर करूँ। यही मोरक्को, तुनिशिया में जब मैं खरीदता तो काफ़ी सस्ता था। तो 20,000 लगभग 140 रुपए के आसपास हुआ यार। बट 140 रुपए में ये पूरी टोकरी तो काफ़ी ज़्यादा, बट ये इसका साइज़ काफ़ी छोटा है। केला, ये देखिए सबसे ज़्यादा महंगा कोई फ्रूट अगर पूरे उज्बेकिस्तान में है तो होता है बनाना, यानी केला। फुलती दुकान, तो इससे ये एक्चुअली कार्ट है, ठेला, जिसमें ये सामान रख के एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करते हैं। कितने बड़े बड़े ब्रेड हैं यहाँ पे। तो पूरे उज्बेकिस्तान कंट्री में हर एक शहर का अपना यूनिक ब्रेड। समरकंद का ब्रेड मैंने आपको दिखाया था, वो अलग। यहाँ पे ना बुखारा में इसको आई थिंक फातिर बोलते हैं। ये इसकी विड्थ आप देखिए, चौड़ाई कितना ज़्यादा बड़ा है यार। और आई थिंक इसको पूरी फैमिली खाएगी तब भी ये ख़त्म नहीं होगा। और इसको आप 2 से 3 दिन तक स्टोर करके खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि हमारे इंडिया में हम लोगों को जो ब्रेड खाने की आदत है ना, वो वाइट ब्रेड या तो ब्राउन ब्रेड, जो कि काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है। इस ये सॉफ्ट नहीं होता, ये थोड़ा सा क्रंची है, क्रिस्पी है और लॉन्ग टाइम तक चल सकता है। अब देखिए इस वाले ब्रेड में इन्होंने मिक्सिंग की हुई है, इसमें आई थिंक अनियन वगैरह भी और कुछ इन्होंने डाला होगा, ताकि ये पूरा अलग ही है। ये देखिए अब इस ब्रेड को इस तरह से अलग अलग लोग ला के इन दुकान वालों को सेल करते हैं। तो ये एक्चुअली डायरेक्ट ओवन से, जहाँ से पकता होगा ये वहाँ से लेके आ रहे हैं अंकल। अब ये जो दुकान वाले हैं इनसे खरीद लेते हैं और फिर ये इस तरह से बाजार में इसको बेचते हैं। शहद यहाँ पे किस तरह से है, तो ये प्योर शहद है आई थिंक, डायरेक्ट इन्होंने इसको निकाला हुआ पेड़ से, और ये पूरा टोकरी है। बुखारा में अगर आप आ रहे हैं तो बोला जाता है कि आप कुर्त और सूरत और हलवा ज़रूर ट्राई करिएगा। ये पूरे उज्बेकिस्तान कंट्री के बुखारा शहर का खासकर, और पूरे बाकी शहर का भी काफ़ी पॉपुलर फूड बोला जाता है। मामा
दिस पनीर पनीर तो यार ये देखो यहाँ पे भी ना जो हमारे यहाँ हम दूध का पनीर बेचते हैं तो ये लोग पनीर को भी पनीर बोलते हैं yes, पनीर 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 एंड दिस इज फ्रॉम काउ मिल्क नो मिल्क फ्रॉम काउ गोट शीप कैमल गाय बीफ बीफ यस सो गाय का ही पनीर है एंड दिस हाउ मच इज द प्राइस चापली हां बर्ता से जिगर मामी वन वन 20,000 सोम यस यस दिस 20,000 सोम ये भाई साहब मामा दी हुई है अपना ये खराब चीज है बढ़िया यार गुड काफी टेस्टी है खोवा इन इंडिया वी कॉल हिंदुस्तान पनीर खोवा मिल्क बन यू फर्स्ट ईट नो नो आई ईटन दिस वी कॉल पनीर एंड खोवा इन हिंदुस्तान यस वी हैव इन इंडिया तो कपड़े वगैरह भी यहाँ पे बिक रहे हैं यार तो सब्जी फ्रूट्स ब्रेड ग्रॉसरी अभी मैं आई थिंक ड्राई फ्रूट्स वाले सेक्शन में आया हूँ नट्स वगैरह यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है यार अभी देखिए मुनक्का की क्वालिटी तो एक से एक तरह की है यहाँ पे तो वो था आई थिंक फॉर्मल वाला मार्केट अभी मैं आ चुका हूँ इनफॉर्मल वाले मार्केट में वैसे तो सब कुछ फॉर्मल ही है बट यहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल्स हैं जो बाहर इस बाज़ार में तो वहाँ पे जिन्होंने शेड तो वहाँ पे जिनके प्रॉपर काउंटर है ना उनका प्राइस थोड़ा सा यहाँ के जो प्राइसेस हैं उससे डिफर है यहाँ पे थोड़ा सस्ता मिलेगा दिस कार्टोस राइट विद पोटैटो पोटैटो तो यार ये कुछ ब्रेड पकौड़ा टाइप का है ये गुजिया टाइप का है ये यहाँ का लोकल उज्बेक जो समसा है होता है ये रोल है आई थिंक इसमें भी इन्होंने सॉसेस डाला हुआ है ये भी ब्रेड पकौड़ा टाइप का कोई मुझे ये कैटेगरी नज़र आ रही है और इसमें भी इन्होंने मीट एंड दिस सेम से कार्टोस ओनली पोटैटो तो मैं कार्टोस को खाने की कोशिश करता हूँ देखता हूँ भाई क्योंकि मेरे लिए मैं इकलौता हूँ ना चिकन खाता हूँ ना कुछ भी खाता हूँ देखिए भाई साहब ने दे दिया अब इसको हम खाएंगे यहाँ पे बैठ जाएंगे सिप सिप वाला तो ये तो मैं कई जगह पे खाया हूँ कारतूस गरम है तो ये चीज़ अच्छी है वेजिटेरियन के लिए सबसे बड़ा सर्वाइवल है इसका प्राइस इन्होंने मुझे चार्ज किया भाई 2000 सोम यानी लगभग 14 रुपये के बराबर 3000 सोम 2000 सोम 2000 सोम 2000 तो कुछ ऐसा है नज़ारा अगर आपको कुछ अंडा वाला भी चाहिए तो ये लोग एग वगैरह भी डाल के दे देंगे ठीक है तो ये बाकी मुझे तो अच्छा लगा अब ये देखिए समसा कैसे इनका बनता है ये पूरा ओवन है एक्चुअली इस ओवन में डाल के आई थिंक इसको ये पकाते होंगे यहाँ पे देखिए इस तरह से लोग साफ सफाई के लिए भी लगे हुए हैं यार बाज़ार में तो अभी सुबह बढ़िया बढ़िया तो अभी सुबह का माहौल है तो थोड़ा सा भीड़ उतना ज़्यादा नहीं है जितना एक्चुअली होना चाहिए यहाँ पे तो ये देखिए लोकल उज़्बेक ब्रेड किराने की दुकान है ये यहाँ पे जनरल स्टोर ओ शुक्राना रहमत यू नो इंडिया यू स्पीक इंग्लिश थोड़ा थोड़ा ओ थैंक यू सो मच आई वॉन्ट टू नो द नेम ऑफ द डिशेज वॉट इज दिस नो नामा उमका तो रोजनी उमका बनाना तो यार ये बनाने जैसा सेब भी है केक्स पैन केक्स एंड दिस सकरचे तो ये लोकल आई थिंक सकरचे है तो ये सारा बेकरी आइटम्स है जो मुझे समझ में आ रहा है तो ये सब यार कुकिंग ऑयल है सनफ्लावर ऑयल है अलग अलग ऑयल है 3 लीटर 5 लीटर सबके अलग अलग प्राइसेस इसका कलर तो ये देखिए थोड़ा सा रेडी से आई थी और ये भाई साहब आई थिंक बिस्किट है ये क्या है इसको इन्होंने रोल करके बनाया हुआ ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है लोकल ये लोग काफ़ी ज़्यादा खाते हैं यहाँ पे पूरे मार्केट में आई थिंक सब्जी फल ड्राई फ्रूट्स नट्स डेयरी प्रोडक्ट्स और मीट और ये सारे चीज़ों का कॉम्बिनेशन एक जगह पर अगर आपको इस बुखारा शहर में चाहिए तो वो मिलेगा वो मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस है तो इस मार्केट में यार ये सब तो भर भर के है और बाहर का जो टैक्सी स्टैंड है ना काफ़ी ज़्यादा बड़ा है
तो दादी जो तरबूज बेच रही थी यानी खरबूजा, वो थोड़ी सी आई थिंक नाराज है मुझसे। मैं जैसे ही पहुंचा वहां पे चिल्लाने लगी कि हट जाओ क्या कर रहे हो। तो मैं वहां से हट गया, पता लगा कि वो अभी भाई हमारा सर फोड़ना ना स्टार्ट करें। तो कई बार कुछ लोग थोड़ा सा कुछ जगह पे मना ही कर देते हैं, बट ओवरऑल अभी तक आई थिंक अफ्रीका से अगर इसको मैं कंपेयर करूँगा तो टोटली अपोजिट है यार। काफ़ी अच्छा है मार्केट का एक्सपीरियंस। आई थिंक सेंट्रल एशिया बिना यार खाने पीने के मामले में तो लाजवाब है। सबसे अच्छी बात है यहाँ पे जो वैरायटी ऑफ फ्रूट्स है ना, वो आप अच्छे तरीके से टेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे सब्जी फुटकर में भी यहाँ पे बिकता है, बट मैक्सिमम लोग ना यहाँ पे जो मैंने देखा कि मिक्स है। कुछ बाज़ारों में सिर्फ लेडीज़ काम करते हैं, कुछ बाज़ारों में सिर्फ जेंट्स काम करते हैं, बट यहाँ पे मिक्स है। उतने ही रेशियो में मुझे लेडीज़ सामान बेचते हुए नज़र आ रही हैं और उतने ही रेशियो में जेंट्स। तो ये बाज़ार में एक्चुअली सारी चीज़ें जो फ्रेश नज़र आ रही हैं ना, चाहे वो सब्ज़ी हो चाहे वो फल हो, उसका जो मेन रीज़न है वो ये कि ये फार्मर मार्केट है यार। ये भी काफ़ी पुराने टाइम से चलता आ रहा है, जहाँ पे लोकल लोग आसपास के रहने वाले जो कि फार्मिंग वगैरह करते हैं वो अपनी सब्जियों को लाके यहाँ पे बेचते हैं। तो इस वजह से सारी सब्जियाँ फ्रेश और लोकल प्राइस में आपको यहाँ पे मिलेंगे, तो ये बात अच्छी है। अब ग्रीन वेजिटेबल्स आप ये सारी देखिए, ये मिर्चियाँ देखिए इनकी, लाल वाली मिर्ची भाई, ये क्वालिटी आप देखो काफ़ी बड़ी नहीं है यार। ये भी मिर्ची है। तो ये सारी मिर्चियाँ इस तरह के यहाँ पे लोग, मुझे यहाँ पे पूरे आई थिंक सेंट्रल एशिया में मुझे अपनी जो छोटी छोटी मिर्चियाँ होती ना वो मुझे नहीं दिखी। बॉम्बे हिंदुस्तान, बॉम्बे ओ शुक्राना, वेरी नाइस, गुड ओके, वेरी नाइस। हरी सब्जियाँ तो काफ़ी ज़्यादा हैं यार यहाँ पे। लोग बाकला जोन, बैगन को बाकला जोन और बे बोल रहे हैं। 4000 सोम का 1 किलो बैगन, और इसकी भी क्वालिटी देखिए, ये हमारे जैसा बैगन तो ये तो ठीक है थोड़ा सा, बट ये भी थोड़ा सा आई थिंक पुराना मुझे लग रहा है, या तो है फार्म का बट अभी फ्रेश नहीं है, बट ये आई थिंक इनका लोकल उज़्बेक बैगन है। बॉलीवुड अब्दुल्ला Ansh. Ansh. Bom Ansh. Your shop, this. Your shop. So, Bukhara. Bukhara. Blogger ka mo, blogger. You say Hindustan. Hindustan. Love you. देखो ये लोग यार, पता क्या अफ्रीका में यही दिक्कत होती थी, आप जब भी किसी को व्लॉग करो, वीडियो में लो, फोटो में लो, तो लोग काफ़ी दिक्कत करते थे। ये सेंट्रल एशिया में नहीं है, आप किसी भी शहर में जाओगे ना लोग काफ़ी फ्रेंडली हैं, वो खुद आपसे आएंगे। थोड़ा सा उनको समझ में नहीं आता कि एक्चुअली आप कर क्या रहे हो, पर बाद में जब उनको पता चलता है कि आप इंडिया से हो, हिंदुस्तान से हो, तो काफ़ी ज़्यादा वो आपको अप्रिशिएट करते हैं। तो ये है इनके भाई साहब की छोटी से दुकान, साइज में भी छोटे। ओ यो शॉप दिस, तो ये वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। अंश यू नो नो हिंदुस्तान, हिंदुस्तान बॉम्बे, हिंदू बॉम्बे, बॉम्बे बॉम्बे मेरी जान। तो ये अलग अलग क्वालिटी का है, ये थोड़े से देखिए ग्रीन है, ये येलोइश कलर के हैं, मतलब तीन अलग अलग वैरायटी है। एक ये है आई थिंक जो कि काफ़ी ज़्यादा स्वीट होता है, ये थोड़ा सा आपको खटास मतलब मिक्स इसका टेक्सचर आएगा, और ये भी काफ़ी ज़्यादा मीठा होता है। बाकी तरबूज तो इनके पूरे आई थिंक उज़्बेकिस्तान में आप जहाँ जहाँ जाओगे काफ़ी ज़्यादा मीठे होते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ गाइस एक दूसरे डिपार्टमेंट में, आई थिंक ये यहाँ का बटर और डेयरी प्रोडक्ट्स का डिपार्टमेंट है। तो यार यहाँ पे तो इंटर करते ही मुझे शहद, और शहद ही हर जगह दिख रहा है। तो शहद को यांगी बोलते हैं, ये देखिए काफ़ी ज़्यादा स्वीट, तो इसका मतलब क्वालिटी ही काफ़ी ज़्यादा थिकनेस है अगर आप देखोगे। बाकी ये सारे बटर अलग अलग, पूरा घी है एक्चुअली, ये पूरा शहद का लेयर है, और इस पर अभी भी देखिए जो ये भाई छत्ता लगा हुआ है ना इसका, इस पर अभी भी मतलब ये लाइव है। आप देखिए इस पर भाई ये जो बर्रा हम बोलते हैं ना, पीला वाला और लाल वाला, ये इस पर भी बना हुआ है, तो डायरेक्ट अभी इससे ये फिल्टर होके नीचे इस बकेट में गिर रहा है आई थिंक। अलग अलग वैरायटी के कुर्ते हैं यहाँ पे जो कि सबसे ज़्यादा बिकते हैं। तो ये दूध का बनता है, बट मोस्टली ये सारा खट्टा होता है। इसको ये लोग खाते कैसे हैं यार मुझे तो नहीं पता, मैंने एक बार खाया था तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ था इसको खाते वक्त। ये है एक्चुअली दही, और यहाँ का जो दही का थिकनेस है ना वो काफ़ी ज़्यादा मोटा और येलोइश कलर का है, क्रीमी कलर का है। डॉक्टर
Doctor? Yeah, good. Bukhoro. This? No. Bukhara? Here? In this Sombada, Bukhoro, in this Sombada. Oh, go, come. Okay. तो मामा ये बोल रहे हैं कि आई थिंक जो मुझे समझ में आ रहा है कि बुखारा में इंडियन कोई डॉक्टर है या बुखारा का कोई बंदा इंडिया में कुछ ऐसा है हिसाब किताब। पूरे इस मार्केट में आप देखिए कितना साफ सफाई से सामान लोग बेच रहे हैं, बट इस वाले डिपार्टमेंट में आप नोटिस करना सारे लोग यहाँ पे लेडीज हैं। या मी व्लॉगर व्लॉगर ट्रेवल या मी या बॉम्बे। ओ शुक्राना। Ansh. And yours? Dilya. Huh? Dilya. Dina. Dilya. Zoya. तो भाई ये सारे लोगों से मैं गुफ्तगू कर। इसाचान दुर्योधन करण। ओ दुर्योधन करण अर्जुन। तो यार ये जो भाई साहब हैं इन्होंने बोला कि दुर्योधन करण अर्जुन रामायण महाभारत ये सारी चीज़ों को ये देखते हैं, समझ नहीं पाते, समझा नहीं पा रहे मुझे, मैं इनकी बात को समझ नहीं पा रहा हूँ, फिर भी हमारा कम्युनिकेशन सिर्फ इस बात से हो रहा है कि मैं हिंदुस्तान से हूँ और भाई साहब उज़्बेकिस्तान के बुखारा शहर से, बट बात काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं। स्माइल तो देखिए भाई साहब। दादी लोग बोल रही कि तुम इंडिया मत जाओ, उज़्बेकिस्तान में ही रुक जाओ, यहीं पे बस। मैं इनको समझा रहा हूँ कि मैं तो ट्रैवल करता रहता तो मुझे आगे जाना ही होगा, बट दादी गाना गा रही थी, एक इंडियन गाना, द सॉन्ग यू आर सिंगिंग, जिमी आजा। हाँ जिमी आजा, बच्ची को मेरी राधेरी इंदिरा गांधी जवाब। ओह वाला इंदिरा गांधी यूनू, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, राज कपूर, बॉबी किनोश बुदा, बॉबी 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 ता कब्बर सोले बाद सिंबाद सिंबाद शशि कपूर राज कपूर बच्चा बच्ची अमित बच्चा। मुझे ऐसा लग रहा है कि उज़्बेकिस्तान से ये लोग मुझे किसी न किसी को साथ भेजने वाले हैं। तो ये सारे लोग हैं यार, सब दादी लोग काफ़ी अच्छी अच्छी थी, सब स्माइलिंग है, काफ़ी अच्छा है। और अच्छी बात क्या है ना कि सबके चेहरे पे स्माइल है, मुस्कुरा रहे हैं, बात कर रहे हैं, फ्रेंडली हैं और हेल्दी इन्वायरमेंट है। और हर कोई बंदा अच्छी चीज़ क्या है ना, यहाँ पे अगर आप कंपेयर करोगे सामान बेचने का जो इनका तरीका है वो हमारे इंडिया के बाज़ारों से टोटली अपोजिट है। हमारे यहाँ हम बुलाते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, जैसे एक दो कस्टमर आएगा तो हम थोड़ा सा फोर्स करने लगते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। हर एक बंदा अपने डिजिग्नेटेड शॉप पे बैठा हुआ है और वहाँ पे साइलेंटली काफ़ी क्वाइट तरीके से अपने सामान को बेच रहा है, तो ये कितना अच्छा लगता है ना। ये वाला बाज़ार का जो सेक्शन था काफ़ी बड़ा है यार, इसको घूमते घूमते अभी मैं थक गया हूँ। अब थोड़ा सा इस बाज़ार का जो दूसरा एरिया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ओ ओके 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 नो, तो ये कोई नट्स है भाई। नो शुक्रिया शुक्रिया सुनो 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 बिस्कुट ना अप्रिकॉट 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 सीधा अप्रिकॉट कोस्टिके तो ये कुछ ऐसा ये बोल रहे हैं भाई साहब, और इसको इन्होंने छील के दिया हुआ तोड़ के नट। तो ये थोड़ा सा सॉल्टी है, नमक नमक को इन्होंने आई थिंक इस पे मैरिनेट किया हुआ है जिसकी वजह से तो टेस्ट काफ़ी अच्छा रहा। शुक्राना रहमत ब्रदर, यू से वेलकम टू बुखारा। हाँ वेलकम टू बुखारा, वेलकम टू हिंदुस्तान, वेलकम टू हिंदुस्तान। शुक्राना यूट्यूब वाला माशाल्लाह। तो देखा भाई ने सेल्फी ले ली अपने फ़ोन से, ये होता है अच्छा करना रहमत। तो कभी कभी ऐसे जगहों पे आपको सेलिब्रिटी की भी फील आ जाती है कि लोग इस तरह से जब आपको वेलकम करते हैं, ट्रीट करते हैं, तो कुछ ऐसा है नजराना। तो ये यहाँ का कैंटीन वगैरह है, अगर आपको कुछ खाना पीना है। नो चिकन नो फिश नो मीट नो मी वेजिटेरियन इना फुलबा मी फ्रेशी हैं इना फुलबा मी फ्रेशी नो नो चिकन नो फिश नो मीट दिस मीट मिक्स ओ नो मी नो मिल्क
मैं खाने के लिए पूछ रहा हूँ इनसे कि वो बिक क्या रहा है, तो आई थिंक मुझे जो समझ में आ रहा है कि वो नॉन वेजिटेरियन डिश है। मोस्ट 12 बज गया दिन के और धूप काफ़ी ज़्यादा हो रही। इसको अभी इन्होंने काफ़ी डेवलप कर दिया हुआ है, बट काफ़ी डेजर्ट शहर इसको आप बोल सकते हो यार। धूप वगैरह से ही समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ पे समर टाइम है। यही अगर विंटर में मैं आता बुखारा को एक्सप्लोर करने के लिए ना, तो टोटली अपोजिट माहौल होता। तो ठंडी में भी लोग बोलते हैं कि एक बार आप ज़रूर आओ। बाकी यहाँ पे भी पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट है, जहाँ पे इस तरह से देखिए आप वॉक कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। यहाँ पे भी स्ट्रीट फूड का कल्चर काफ़ी है यार, जैसे अपने इंडिया में ना हर जगह लोग कुछ ना कुछ आपको बेचते हुए नज़र ज़रूर आएंगे, तो ये अच्छा है खाने पीने के लिए। बट दिक्कत यह है ना, शाम को 6 बजे के बाद भाई सब कुछ यहाँ पे बंद हो जाता है। तो अगर आप कुछ भी ख़रीदने आ रहे हैं खाने पीने के लिए, खास करना कोशिश करिए कि शॉपिंग वगैरह बहुत ही अर्ली आप कर लीजिए, वरना भाई 6 बजे के बाद तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है इस बुखारा शहर में। समरकंद और ताशकंद में ऐसा नहीं था,